जो थंबनेल में पढ़ा आप लोग सही पढ़ा, पैन कार्ड ऑफलाइन कैसा फॉर्म फिलअप करते, और अगर आप ऑनलाइन करते तो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे लिंक दे दिया, जाके देख सकते हैं आप मैं कैसा ऑनलाइन सरेंडर कराया मेरा खुद का पैन कार्ड। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर हमारे चैनल को नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अच्छा लगेगा तो, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ ताकि आपको पता चले ऑनलाइन सरेंडर कैसा करते हैं और ऑफलाइन फॉर्म कैसा भरते हैं। मैं इस वीडियो में बताऊंगा ऑफलाइन फॉर्म कैसा भर के आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ फ़ोटो बैठता है और कैसा फॉर्म को फिलअप करता है करके आप कैसा ऑफिस में जाकर सरेंडर करना पड़ता है। तो बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको पता चलेगा पैन कार्ड ऑनलाइन सिलेंडर कैसा करते हैं और ऑफलाइन कैसा करते हैं। ऑनलाइन का तो मैं बता दिया, इसमें ऑफलाइन का फॉर्म फिलअप करके आप लोगों को बताऊंगा। ऑनलाइन का अगर वीडियो देखना चाहता है मेरा इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया, जाके देख लीजिए कैसा ऑनलाइन पैन कार्ड सिलेंडर कर सकते हैं। मैंने खुद का मेरा पर्सनल किया था इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले तो बताना चाहता हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए तो भी जाके मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँगा। सब्सक्राइब नहीं करके मेरे को कमेंट्स करेंगे भाई ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ और आप थोड़ा हेल्प करेंगे तो हमारा तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को देख के आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और मेरे को तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को तभी जाके आपको ज़रूर हेल्प कर पाऊँगा। तो चलिए मैं ऑफलाइन कैसा पैन कार्ड फॉर्म भरते और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट देके आपके पास, अगर सबसे पहले तो आधार कार्ड हो जाएगा तो उससे हो जाता है, इतना कुछ डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं। वोटर आईडी रहेगा तो वो भी हो जाता है और इसके साथ और भी रेशन कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब बहुत सारा डॉक्यूमेंट है लेकिन आधार कार्ड से हो जाता है सरेंडर, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने पिछला वीडियो में मेरे को कमेंट्स करके पूछा, भाई आपका जो आपने ऑनलाइन सरेंडर कराने का टाइम में आपको 71 रुपया कैसा कटा, हम लोगों को 107 रुपया कैसा कटा, तो वही मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था तो अच्छा ही बोला, उन्होंने बोला सर आपने बताया था ऐसा कोई एक वीडियो भी नहीं देखा यूट्यूब में ऐसा ऑनलाइन कैसा सरेंडर करते हैं ऑफलाइन कैसा करते हैं, इसलिए मैं ऑफलाइन बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि ऑफलाइन क्यों मैंने बनाया ऑफलाइन सरेंडर का फॉर्म, तो बहुत सारा लोगों को, क्योंकि देखिए जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है मोबाइल नंबर, आप बहुत सारा लोगों को करना नहीं आता ऑनलाइन कैसा करते, इसीलिए मैं ऑफलाइन का भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मेरे से क्यों 71 रुपीज़ काटा मेरे से, तो मैंने एक्चुअली ऑनलाइन किया था, ई पैन कार्ड चाहिए मैं वही हिसाब से किया था, मेरे पास डबल पैन कार्ड है तो मैंने एक सरेंडर करा दिया, इसलिए मैंने ई पैन कार्ड हिसाब से किया। अगर मेरे पास 107 रुपया का ऑप्शन में दबाता था, जैसे कि मेरे को कार्ड वाला पैन कार्ड चाहिए तो मेरे से 107 रुपया लेता था, पैन कार्ड डबल हो जाता था, इसलिए मैं ई पैन कार्ड हिसाब से उसमें किया था। तो आधार कार्ड का थोड़ा सा OTP का हिसाब से आ गया मेरे पास ईमेल में पैन कार्ड, इसलिए मेरे पास से 71 रुपया काटा। तो ऐसा ही होता है, आप लोग अगर करना चाहता तो ऐसा कर सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते एक्चुअली मैं काँप रहा था, गांव में बहुत ठंडी है, इतना ठंडी है मैं काँप रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले देखिए आपके फॉर्म ले लेने का ऐसा, 2 पासपोर्ट साइज़ कॉपी फ़ोटो और गम एक पेन और 2। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख के आपको शॉर्ट में वीडियो अभी समझा रहा हूँ। तो देखिए 2 फ़ोटो है, एक वहाँ लगेगा आपको और इधर नीचे साइन रहेगा सेम जो परमानेंट आप रखना चाहते हैं उसका साइन, उस पैन कार्ड का साइन यहाँ इधर बैठेगा, वहाँ पे आपको आधा फ़ोटो पे आधा बाहर होना चाहिए, क्रॉस साइन होना चाहिए और आपको वहाँ पर आपका लास्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम संजय मजुमदार है तो मैं इधर संजय नाम डालूँगा, वहाँ पर सरनेम संजय मजुमदार, लास्ट नेम मजुमदार डाल देता हूँ और मिडिल नहीं डालेगा तो भी चलेगा। और इधर आपको बैठेगा 2 नंबर पर फादर नेम डूलाल मजुमदार, मदर भी देगा तो भी चलेगा, मेरे फादर नाम डूला, इस 2 नंबर में डूलाल मजुमदार ने बैठा दिया, तो आप लोग भी आपका फादर नाम जो भी है डाल दीजिए, ज़्यादा सिंपल से ज़्यादा कुछ भरने का ज़रूरत नहीं। बाद में आपको 4 नंबर में टिक करने के बाद मेल फीमेल जो भी आप चूज़ करने का, अगर आपको फ़ोटो मैच नहीं हो रहा साइन मैच नहीं हो रहा तो आप करेक्शन कर सकते तुरंत, इसमें 6 नंबर में टिक करके सिग्नेचर मैच में क्लिक करने का
और फोटो है उसमें 5 नंबर में भी टिक करके वो फ़ोटो सेम फ़ोटो करेक्शन हो जाएगा साथ में। इसके बाद आपको आया आपका एड्रेस नेम बिल्डिंग नेम, आप गांव से बिलोंग करते तो गांव का एड्रेस दे दीजिए, और शहर से होगा तो फ्लैट नंबर डोर नंबर सब कुछ और डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड सब फिल कर दीजिए। इसके बाद आता है कि आपको 10 नंबर में जो आधार कार्ड से हो जाता है आपको कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं आपको बताना पहले, तो आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है इधर और एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आप अगर आपको मैं पहले बताया था ना कि आप मेरे से क्यों 71 रुपया काट रहा और आप लोग से 107 रुपया क्यों काट रहा है, क्योंकि आप सरेंडर करा रहा है, सरेंडर करने के बाद जो आप परमानेंट रखना चाहते और जो आप सरेंडर करा रहे हैं उसको उसमें बैठेगा, जो सरेंडर कराना चाहता है आप उसका पैन कार्ड नहीं आएगा, जो परमानेंट रखना चाहता है वो आपको बाई पोस्ट कोरियर का साथ आपको घर भेज दिया जाएगा, वो आपको घर पे मिल जाएगा, इसलिए 107 रुपया उसका चार्जेस कटता है। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो उस टाइम ऑफिस में भी बता सकते, अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते तो अप्लाई करने का टाइम उसमें ई पैन कार्ड का सिस्टम आता है तो वो ईमेल में आता है, ईमेल देगा तो आपको ई पैन कार्ड का हिसाब से आपको अगर कार्ड वाला नहीं चाहिए उसमें ऑप्शन आता है तो ई पैन कार्ड का हिसाब से आपको ईमेल में आ जाएगा 71 रुपया चार्जेस काटेगा। इसलिए मेरा जो पहले वाला मैं वीडियो बनाया ऑनलाइन इसके लिए मेरा पास से 71 रुपया चार्जेस काटा। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वो जो दोनों देने का बहुत ज़रूरी है, आप ऑफिस में जाएगा तो भी ऑफलाइन का बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा क्या करना है। तो इसके बाद 11 नंबर में जो देखिए ये जो मेन होता है 11 नंबर लिखा इसमें टिक करके इसमें आपको सरेंडर करना, चाहे आपके पास 1, 2, 3, 4 तक आप सरेंडर कर सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 पेट कर सरेंडर कर सकते हैं। मैंने लिख दिया मेरा जो सरेंडर करना, बाद में मैंने फॉर्म फिलअप करा तो मेरा नाम आ जाएगा इधर आई हुई, इसमें मेरा नाम आएगा। इसके बाद प्लेस कहाँ से कर रहा हूँ मैं, उस प्लेस का नाम आ जाएगा इसमें, और डेट डाल देने का, और सेम साइन आपको जो परमानेंट रखना चाहते हो वो साइन इधर बैठेगा, और इस ब्रैकेट में आप इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल ये, और नीचे जो दिख रहा है चेंज एंड करेक्शन ये जो लिखा है नीचे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सुप्रीट तो प्रोसेस चेंज एंड करेक्शन, तो आप करेक्शन नहीं होगा ये करेक्शन फॉर्म में कर रहा है लेकिन आप चेंज करके करेक्शन कर रहे हैं, तो करेक्शन को काट देने का चेंज रेट देने का, तो चेंज ही कर रहे हैं आप, चेंज करके सरेंडर करके आप परमानेंट ले रहे हैं आपको पैन कार्ड, तो डबल हो गया। तो ऐसे ही फिलअप करते पूरा, अब देख रहे हैं आपके सामने जो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, आपको एक फ़ोटो के ऊपर क्रॉस साइन परमानेंट जो रखना चाहता है उस परमानेंट पैन कार्ड नंबर और एक साइन फ़ोटो का नीचे ब्रैकेट के अंदर, और आपका नाम आपका फादर नेम, बस आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का, और आपका मेल फीमेल, और आपका गांव का नाम एड्रेस पिन कोड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, और आपका नाम और आधार नंबर सेम मैच होना चाहिए हो जाएगा, और आप ऑनलाइन जो करना चाहते हैं और मेरा वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको सरेंडर करना चाहते हैं आप 1, 2, 3, 4 जो भी आप 4 तक कर सकते, और ऐसा सेम भर के आप आपका ऑफिस में जबकि आसपास ऑफिस से आधार कार्ड का ऑफिस में लेके जाइए, आसानी से पूरा सब कुछ हो जाएगा, बस इतना ही था। इसलिए 71 रुपया काटता है क्योंकि मैं देखिए मैं 71 रुपीज़ क्यों काटा जाता है और क्यों आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों के पास पहले से पैन कार्ड डबल है तो फिर आप लोग भी ऐसा बोल सकते हैं, ई मेल आई डी दे देगा उन लोगों को ऑफलाइन का फॉर्म में, बोलने का मेरे को सर मैं 71 रुपया दे रहा आप लोगों को, मेरे को ई पैन कार्ड चाहिए। अगर आप लोगों को पैन कार्ड का ज़रूरत नहीं है तो आप 107 रुपया भर के कुछ फ़ायदा नहीं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो मैं इसलिए 71 रुपया मेरे से क्यों लगा, मैं ई पैन कार्ड लिया इस ऑनलाइन का हिसाब से मैं फॉर्म भर दिया, तो ऑफलाइन भी ई पैन कार्ड ले सकते, अगर आप प्लास्टिक पैन कार्ड लेना चाहते जो नॉर्मली देता है नया बनाने का टाइम में, तो वही हिसाब से लोग 107 रुपया काटता है, क्योंकि आपको वापस जो आप परमानेंट पैन कार्ड रखना चाहता है ऑफलाइन सरेंडर करा रहा तो वो पैन कार्ड फिर से देता है आपको, जो सरेंडर करा था उसको नहीं देगा, जो आप परमानेंट रखना चाहते वही पैन कार्ड आपको दिया जाएगा वापस, इसलिए 107 रुपया चार्जेस करता है। तो इन लोग पूछेगा नहीं आपको ई पैन कार्ड चाहिए आपको या प्लास्टिक पैन कार्ड चाहिए तो आपको बताने का ज़रूरत है, तो सर मेरे को पास तो पहले से पैन कार्ड है मेरे को ज़रूरत नहीं मेरे को खाली सरेंडर कराना है, तो इन लोग बोलेगा ठीक है तो 71 रुपीज़ चार्जेस करेगा, तो ई पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी में आ जाएगा, तो हो गया ना ऐसा ही होता, मैं पहले भी ईमेल
जो ऑनलाइन बनाया था मैंने, ये सही हुआ था मेरे साथ? तो बहुत सारा लोगों ने पूछा। तो अगर आपके नज़दीकी कोई NSDL से आप पैन कार्ड निकाला, तो NSDL ऑफिस में जाके, इनकम टैक्स का ऑफिस में भी रहता है जो पैन कार्ड सरेंडर करते के सब, आपका डिस्ट्रिक्ट में रहता, कोई स्टेट में रहता, जाके आप लोग बात कर लीजिए। और मैं जैसा फॉर्म बताया ऐसे फिलअप करके अटैच करके जाके, तो आप जाके ऑफिस में जाके आपको पूरा बोल दीजिए, सर मेरे को सरेंडर करना है, जो करेक्शन फॉर्म लेने का, मैं जो फॉर्म, वो फॉर्म आपको इस वीडियो का नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड करके निकाल के आप वो फॉर्म फिलअप करके पूरा डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके जाके, उसमें कोई डरने का बात चीज़ नहीं है और कोई घबराने का चीज़ ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने भी पहले बहुत डर रहा था। तो मैं बोला क्यों डरने का, सब चीज़ में कस्टमर केयर से बात किया, सर मेरा में ऐसा हो गया, ईमेल भी किया था मैं, दो पैन कार्ड निकल गया मेरा अलग अलग नंबर से। तो बोले डरने का कोई ज़रूरत नहीं, सब होता है, तो गलती के हिसाब से हो जाता है, मिस्टेक से, इसके लिए तो इसको बोला जाता है सरेंडर, मैं सरेंडर करा रहा हूँ, मेरा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया मेरे से, तो उसमें कोई डरने का ज़रूरत नहीं, कोई घबराने का ज़रूरत नहीं। आप पैन कार्ड तोड़ के फेंक देंगे एक उधर बोलेगा मैं इसमें चला लूँगा, उन लोगों के पास नहीं रहेगा, उन लोगों के पास हर एक डाटा रहता है, इनकम टैक्स के पास, RBI के पास, आप जॉब बैंक में इधर एक पैन कार्ड देंगे उधर एक पैन कार्ड देंगे, तो भी आगे जाके बहुत बड़ा मुसीबत आ सकता है, 10,000 रुपया फ़ाइन भी लगेगा, उसमें लिखा भी है साफ साफ पैन कार्ड में क्या के रूल रेगुलेशन पूरा पढ़ सकते, वो लीगली हिसाब से नहीं है, कानूनी दर से बहुत ही बड़ा अपराध है, वो आप लोग सबको पता ही है, वो पढ़ लीजिए, पढ़ेगा तो पता चलेगा, सबका मिस्टेक होता है, गलती होता है, तो उसको वही हिसाब से सुधार करना पड़ता है, तो सुधार कर लीजिए जो पैन कार्ड ऑफलाइन कैसा सरेंडर करते हैं, मैं बताया इस वीडियो को, तो आप लोग तो समझ ही गया होगा कैसा ऑफलाइन सरेंडर करते हैं। अगर ऑनलाइन का देखना चाहते इस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया, जाके देख सकते ऑनलाइन कैसा सरेंडर करते, तो समझ गएगा दोस्त आप लोग कैसा है। तो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, तो भी जाके आप लोगों को पता चलेगा, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि पता चले ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे सरेंडर करते। बस दोस्तों आज का वीडियो इतना, जय हिंद दोस्तों।